सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। अवैध शराब निर्माण पर अंकुश लगाने में जुटी उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दो अवैध शराब अड्डा को ध्वस्त कर दिया है। विश्रामपुर के नवगढ़ा, शेमरी कला व लाड़गल में छापेमारी कर 10 अभियोग दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई है। उत्पाद अधीक्षक संजय श्रीवास्तव के निर्देश पर कांग्रेस कुमार ने अवैध शराब के अड्डों पर जाकर छापेमारी की और कई अवैध शराब में उपयोग की जाने वाली सामग्री बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को 300 किलो जावा महुआ हाथ लगा है। वहीं 40 लीटर चुलाई शराब, 3.5 लीटर अंग्रेजी शराब, 6.5 लीटर बियर, 2 लीटर देशी शराब भी जब्त कर लिया है। छापेमारी के बाद से इलाके में अवैध शराब विक्रेताओं के बीच हड़कंप मच गया है। वहीं पलामू पुलिस कप्तान ने इस कार्रवाई की सराहना की है।